तो न्यू ईयर में मनाली ओपन होगा नहीं होगा, मार्केट ओपन होगी नहीं होगी, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगी, कर्फ्यू ऑन रहेगा और स्नोफॉल होगा, ऐसे ही काफ़ी सारे सवाल हैं आपके। और इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक और वीडियो लाया हूं आपका, और पूरी इस वीडियो को देखना तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शायद जो आपका डाउट होगा कहीं बीच में होगा और बाद में आप कमेंट सेक्शन में फिर से वही सवाल दोहराते हो। तो चलिए यार करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर और करता हूं स्वागत केपीएल एक्सपीडिशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दिसंबर मंथ की। जी हां, आज हो चुकी है 8 दिसंबर और काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि भाई क्या दिसंबर में हमें स्नोफॉल मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी कहा है, जी हाँ, अगर मैं अगले 4 दिनों की बात करूँ, 3 से 4 दिनों की बात, तो आपको स्नोफॉल मिलेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा मनाली के इधर उधर कहीं हायर रेंज में मिले, बट आपको 100% मिलेगा। और दूसरी बात कि अब दिसंबर भी स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद तो आपको टिल मार्च तक स्नोफॉल मिलता है, तो उसकी तो टेंशन नहीं। अगर आपको कई बार स्नो नहीं मिल पाती तो स्नो तो मिलेगी मिलेगी, आप सोलांग में जा सकते हो, इवन हायर रीजन में जा सकते हो, थोड़ा सा उसके आगे जा सकते हो, तो आपको स्नो तो मिलने वाली है और स्नो वाली एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। अगर आपको एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आई बटन ऊपर है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि अभी विंटर्स में कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हल्का सा बता दूँ तो पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग आप बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हो। तो छोटी मोटी और भी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो, तो उस वीडियो को देखना, उसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक्टिविटी के बारे में। तो स्नोफॉल के बारे में तो बता दिया आपको, बाकी हो सके तो आप, हर बार यही कहता हूँ कि यार वेदर फोकास्ट पढ़ा करो, वहाँ से आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हो मनाली और स्नोफॉल में एंजॉय कर सकते हो। और दूसरी बात कि यार कर्फ्यू का क्या है, क्योंकि हर जगह बात यही चल रही है और कर्फ्यू चले हैं और क्या है हिमाचल कर्फ्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ, वैसे वो कर्फ्यू हैं, संडे जो कर्फ्यू होता है उसमें मार्केट बंद होती है, पूरी तरह मार्केट बंद होती है, बट कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि ठेके खुले रहेंगे और NH के ढाबे हैं वो भी खुले रहेंगे, जिससे आप लोगों को आने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप आ सकते हो, आप संडे आओ, मंडे आओ, कभी भी आओ, दिन को आओ, रात को आओ, तो आपको कहीं नहीं रोका जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप दिल्ली से आप रात को निकलते हो, तो रात को अगर आप हिमाचल में पहुँच जाते हो तो आपको नहीं रोका जाएगा, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मेरी, मुझे इस होटल में पहुँचना है, तो आपको बिल्कुल नहीं तंग किया जाएगा। वैसे ही रात को आपको जितने भी रोड साइड ढाबे हैं, स्टेट हाईवे पे ढाबे हैं, तो वो भी बंद नहीं मिलेंगे, वो भी आपको खुले मिलेंगे, तो आप वहाँ पे भी खाना खा सकते हो, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं। बाकी मार्केट लगभग ओवरऑल बंद रहेगी सिवाय ठेकों के। तो अगर आप सोच रहे कि हम संडे को प्लान करेंगे मनाली विज़िट करने का, तो डोंट वरी, ठेके खुले रहेंगे, तो आप यू नो अपने आत्मा को तृप्त कर सकते हो। ये तो होगी कर्फ्यू की बात, तो शायद आपका कर्फ्यू वाला डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा, कि तो कर्फ्यू की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे बता दूँ, जो मेनली जो कर्फ्यू अप्लाई किया, जैसे 9 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगी, जी हाँ, उसके बाद आपको घूमने नहीं दिया जाएगा। तो आप अगर मनाली हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो 9 बजे के बाद आपको बिल्कुल घूमने नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक मुझे लगता है कि जो 9 बजे का फंडा है, क्योंकि टूरिस्ट मार रोड पर काफ़ी घूमती है, 9 बजे के बाद जो चीज़ें हट जाएंगी फिर उससे तकलीफ होगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी संडे को भी मार्केट नहीं खुलेगी, तो फिर वो भी मज़ा नहीं आएगा मनाली का। बट ये है कि अगर आप अभी सीनिक ब्यूटी और एक्टिविटीज़ एंजॉय करना चाहते हो या घूमना ही चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम यही है। अदरवाइज़ आप अगर माल रोड के शौकीन हो, समझो रात को घूमने वाले हो, तो मैं कहूँगा कि कुछ दिनों रुक जाओ, दिसंबर एंड नहीं हो जाता तो उसके बाद अलग सा, तो 15-20 दिसंबर के बाद शायद कुछ और रूल्स आ जाएँ, उसके बाद आप आराम से घूम सको। तो ये अभी रूल्स वैसा कुछ आया नहीं। तो अगली बात करेंगे न्यू ईयर की। तो न्यू ईयर के दिन क्या ओपन होगा मनाली? जी हाँ, न्यू ईयर के दिन ओपन होगा मनाली, होगा ओपन शिमला, होगा ओपन। देखो टोटली तो पूरी तरह क्लोज तो होने वाला नहीं है मनाली, चाहे शिमला की बात करूँ चाहे हिमाचल की। कुछ एक रिस्ट्रिक्शन होंगी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, बट 31st के टाइम भी ओपन होगा मनाली। पूरी तरह से कुछ भी बंद नहीं होने वाला है, थोड़ी सी ढील तो मिलेगी ही, तो आप उसमें भी आ सकते हो। 31st को आप बिंदास होके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली 31st के दिन। बट यहाँ पे रोड्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो तो साइड काफ़ी दिक्कत होती है, तो साइड अगर बर्फ़ पड़ी तो जल्दी नहीं पिघलती वहाँ पे,
तो वहाँ की साइड थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा लगता है पावती वैली। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 31 कसोल में बिताएं या फिर आगे तोश में बिताएं, तो हो सके तो अपनी गाड़ियाँ जितनी छोटी ला सकें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़ी गाड़ियाँ लाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और गाड़ियाँ लगाने के लिए वहाँ पार्किंग नहीं होती। निकरण में तो अच्छी पार्किंग है, बट वहाँ पर भी अगर बुक हो जाए तो आपको मैक्सिमम अपनी गाड़ियाँ रोड साइड लगानी पड़ेगी। अगर रोड साइड में आपकी बड़ी होगी गाड़ी तो वहाँ दिक्कत करेगी, अगर आपके पास छोटी गाड़ियाँ हैं तो वो तोश में भी लग जाएगी जहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो ट्राई करें कि 31 को आ रहे हो तो अपना पार्किंग का ध्यान रखें, छोटी गाड़ी लाएं, और मनाली में कोई दिक्कत नहीं, मनाली काफ़ी बड़ा है। फ्रेंड्स, ये तो रही पार्किंग की बात, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, ट्रैवल की बात। काफ़ी लोग होते हैं यार जो दिल्ली से मनाली ट्रैवल करते हैं बाय टैक्सी बाय पर्सनल गाड़ी, बट फिर भी सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं वो बस के थ्रू करते हैं, और सबसे ज़्यादा हिमाचल को इम्पैक्ट भी वही डालते हैं। अगर कहूँ बात तो अमूमन 60-70% लोग जो हैं वो बसेस से ट्रैवल करते हैं मनाली में, और सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली टू मनाली की कंफर्टेबल राइड करूँ तो वो बसेस में आती है, वो भी वॉल्वो बस। जी हाँ, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्यूजन चल रही है, वो वॉल्वो बसेस से रिलेटेड ही चल रही हैं। तो ये वाली कन्फ्यूजन मैं अब दूर करने वाला हूँ आपकी, कि क्या करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप खुद की गाड़ी में आ रहे हो या फिर टैक्सी में आ रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप सीधा टैक्सी हायर कर सकते हो या फिर अपनी गाड़ी में बैठे और सीधा मनाली की तरफ आ सकते हो। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो बस से ट्रैवल करने वालों, और सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं वो बस से ही करते हैं। तो अगर आप सिंपल हिमाचल रोडवेज में करना चाहते हो HRTC में, नॉन AC में, तो आप दिल्ली से आ सकते हो, तो वो आप दिल्ली से डायरेक्ट बस ले सकते हो मनाली की, और वाइस वर्सा मनाली से आप दिल्ली की ले सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार कंफर्टेबल राइड करना चाहते हैं तो वोल्वो ही लेनी पड़ेगी, और सबसे कंफर्टेबल राइड होती भी है मनाली दिल्ली टू मनाली वोल्वो की। तो फ्रेंड्स बहुत कम वोल्वो बसेज हैं जो मनाली टू दिल्ली या दिल्ली टू मनाली चल रही हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फंडा ऐसा हो रहा है कि आप अगर दिल्ली से वॉल्वो लेते हैं और अगर उसमें पूरे कांच चढ़े हैं, तो अगर वो प्रॉपर चढ़े हैं तो वो आपको देगी छोड़ के बद्दी तक या फिर जो हिमाचल की बाउंड्री है वहाँ तक। उसके बाद आप टेम्पो ट्रैवलर में जा सकते हैं या दूसरी कोई भी उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो भी बसेज होंगी उस पे आप मनाली तक पहुंच सकते हैं, तो वो आपको पूरा मनाली तक पहुंचाएंगे, तो आप उनको भी ले सकते हैं। बट अगर आपको डिलक्स बसेज मिल रही हैं जिनके शीशे खोल सकते हैं, तो उसमें आप दिल्ली टू मनाली डायरेक्ट आ सकते हैं, तो उस वो आपको बीच में कहीं नहीं रोकेगी, तो उसमें आप बिल्कुल चढ़ के आ सकते हो। तो ग्लासेस के बारे में पता नहीं है, ये शायद अफवाह भी हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है, शायद पेंडेमिक के चक्कर से ये अलाउ किया हो कि आपको पूरी जो बंद होती है बसेस उस पे अलाउ नहीं किया जाएगा मनाली तक आने में, तो ये मैं 100% नहीं कह सकता। अगर आपको भी पता लग जाए इसका क्या फंडा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में, जो वोल्वो के ग्लासेस के बारे में। बट यहाँ पे उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आजकल पता है आपको किसान आंदोलन चला है दिल्ली में, वो भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात होती है कि क्या बसेस चल रही हैं वोल्वो फिर कैसे आएँ। तो फ्रेंड्स हाँ, बसेस चल रही हैं, कुछ एक ऑपरेटर की बसेस चल रही हैं जिन्होंने अपने शीशे वगैरह कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन किए हैं और वो डायरेक्ट दिल्ली टू मनाली आ रही हैं। बट यहाँ पे बता दूँ वो भी डायरेक्ट मजनू टीला से नहीं आ रही हैं, कि घूम फिर के बाय सहारनपुर होते हुए आ रही हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है। टिकट आप मजनू टीला में भी करवा सकते हो, तो वहाँ के ऑपरेटर आपको खुद अपनी गाड़ी से ले जाएंगे और बस में बिठाएंगे, उसके बाद आप मनाली की तरफ आ सकते हो। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है, फिर भी आपका अगर बसेस से रिलेटेड कुछ डाउट रहता है तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। तो फ्रेंड्स अगर प्राइस की बात करें तो दिल्ली टू मनाली या मनाली टू दिल्ली आपका मिनिमम 1100 और मैक्सिमम 1300 तक लग सकता है, तो डिपेंड करता है वो प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब बसेस वाला डाउट आपका थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को भी मैं यहीं रोक दूंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। है ना, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।